तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 क्लास 12th का। ये तो आपको चैप्टर देख के लग रहा होगा, क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th का कौन सा चैप्टर है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपने पढ़ लिया होगा क्लास 12th के। तो हम इसमें केवल और केवल एनसीईआरटी के पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अंडरलाइन करेंगे, जैसे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को किया। उसके बाद अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप इस चैप्टर का नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, ये ऐसा लिखा हुआ। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरा नाम जानते होंगे, मेरा नाम है सचिन कसौधन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपको इस नाम सुनकर ही आपके चेहरे पे खुशी सी आ गई होगी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये आपको दिख रहा हूँ, वोम बना हुआ है। ठीक है, इम्प्लांटेशन हुआ, ये आपका एम्बिलिकल कॉर्ड है, ये आपका एम्ब्रियो है, ये प्लेसेंटा है, ये यूट्रस है, ये वजाइना, ये म्यूकस है, यहाँ पे वजाइना बनता है फिर आगे जाकर। तो हम इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ने के लिए पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इस पॉइंट में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर देखा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस में। आपने स्पर्म सुना होगा, मेल का गैमेट है और ओवम जो है वो फीमेल गैमेट है, तो गैमेटोजेनेसिस में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, फिर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फिर प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर पढ़ेंगे पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में। तो हम पार्ट इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो हमें आसानी से समझ में आएगी। तो हम पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस तक ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्ट आ जाएंगे पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर लेंगे। अगर पार्ट 1 में हो सकता तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कवर कर लें, तो हम आगे अपने टाइम के अनुसार देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो भी सेक्स, देखिए ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एंड विवीपरस, विवीपरस समझते ना, यंग वंस को जन्म देते हैं। जो ओविपरस है तो वो यंग वंस को जन्म नहीं देते हैं, एक पैदा करते हैं, एक अंडे देते हैं। ओविपरस होते हैं, विवीपरस यानी कि पूरे पूरे बच्चे को जन्म देते हैं और ओविपरस अंडे को जन्म देते हैं। आप सिंपल भाषा में याद करिए। रिप्रोडक्टिव में क्या क्या होगा, पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमिट होगा, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स मैंने बता रखा। फिर ट्रांसफर होगा स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट, जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा, फिर होगा गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का, फिर होगा पार्चुरेशन, पार्चुरेशन होगा, फिर आएगा पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन होता है। देखिए ये रहा लैक्टेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन होता है। तो ये कैसे कैसे क्या होता है अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट आता है हमारा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहली बात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया कहाँ जाता है, पेल्विस रीजन में। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया इसके पास होते हैं। ठीक है, हाँ एक बात और, टेस्टिस कहाँ पर होता है, वो स्क्रोटल सैक में होता है, शरीर के बाहर। क्यों होता है, क्योंकि उसे बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म बनाने के लिए। जो टेस्टिस होता है वो डिसेंड होता है स्क्रोटल सैक में, ठीक है, ऐसे होता है, दो टेस्टिस होते हैं यहाँ पर, ऐसे होता है, फिर यहाँ से पेनिस होता है ऐसे। तो स्क्रोटल सैक में क्यों होता है आपको बता दें, तो जब हम वोम में रहते हैं यानी कि पेट में रहते हैं, फीटस रहते हैं, तब टेस्टिस हमारे एब्डोमेन कैविटी में ही रहती है। तो एब्डोमेन कैविटी से जब हमारा पार्चुरेशन होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो टेस्टिस होता है डिसेंड होता है स्क्रोटल सैक में। अगर कुछ कंडीशन में, केस में अनडिसेंडेड टेस्टिस रह जाता है, ठीक है, अनडिसेंडेड डिसेंडेड टेस्टिस मतलब जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन कैविटी में ही रह जाता है।
अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो हम इसका क्रिप्टोरिज्म करते हैं, ये फिर डॉक्टर के द्वारा इसकी सर्जरी के थ्रू इसे बाहर निकाला जाता है, उसे बोलते हैं क्रिप्टोरिज्म। ये आपको याद नहीं करना, मैंने एडिशनल नॉलेज थी दे दी आपको, ठीक है। अब आइए देखिए, द टेस्टिस आर एसोसिएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम में होता है, ये रहा आपका स्क्रोटम, ठीक है। यहाँ पर ये कैविटी प्रेजेंट होती है, उसमें पाया जाता है टेस्टिस। और स्क्रोटम क्या हेल्प करता है, मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 degrees Celsius लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2.5 degrees Celsius कम टेम्परेचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है, इसलिए वो स्क्रोटम सैक में पाया जाता है 2.5 degrees Celsius। आपने देखा होगा गर्मी के साइड में जो स्क्रोटम होता है वो रिलैक्स्ड पाया जाता है, बॉडी से थोड़ा दूर पाया जाता है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर वैसे ज़्यादा था, अगर बॉडी के पास रहेगा वो तो उसमें ज़्यादा टेम्परेचर पाया, इसलिए वो रिलैक्स्ड स्टेट में रहता है, ठीक है। जैसे ठंडी आती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है स्क्रोटल सैक, तो उसमें बहुत सारी मसल्स पाई जाती हैं, तो मसल्स वही काम करती है, रिलैक्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और जो टेस्टिस का शेप है ओवल शेप होता है, 4 to 5 centimeters इसकी लंबाई होती है, 2 to 3 centimeters इसकी विड्थ होती है। और एक बात, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कंपार्टमेंट समझते हो आप, दिखाता हूँ मैं, चलो यहाँ पे बनाते हैं कंपार्टमेंट, यहाँ पर इससे बनेगा ना, ये रहा, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट बना लीजिए, एक टेस्टिस में ऐसे ऐसे 250 कंपार्टमेंट रहते हैं, यानी कि दोनों मिलाकर, दोनों टेस्टिस को मिलाकर कितने रहेंगे, 500, अगर दोनों में पूछा तो 500, एक में पूछा तो 250। और देखिए आगे, ईच लोब्यूल कंटेंस 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। एक सेमिनिफेरस, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। स्पर्म कहाँ बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइंड बाय इनसाइड बाय 2 types सेल्स, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल ही स्पर्म बनता है, उसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। जो सर्टेली सेल्स होता है उसे हम नर्स सेल भी बोलते हैं, ठीक है, या नर्स सेल, ओहो सॉरी, नर्स सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और केयर करना, किसका, मेल जर्म सेल का, ठीक है। आगे वही लिखा, द मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूटेट डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। मेल जर्म सेल म्यूटेट डिवीजन करके स्पर्म बनाता है, जो वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जो सर्टोली सेल होता है वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन किसको, जर्म सेल को। अब जैसे कंपार्टमेंट बन गया, ये रहा कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंपार्टमेंट दिए, हर कंपार्टमेंट के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बच जाती है, स्पेस बच जाता है, तो हम उसे बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस। देखिए, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बाहर रीजन प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं इंटरस्टीशियल सेल, उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होगी उसे बोलते हैं इंटरस्टीशियल सेल्स, और उस सेल्स को नाम दिया गया लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या काम करती है, लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल एंड्रोजन, सिक्रीट करती है। और यहाँ पर कुछ अदर्स इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, कौन है अगर आप सोचेंगे ना, अदर्स लेकर जो सर्टोली सेल्स है वही है, कॉम्पिटेंट इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो इसका, इन सेल्स का क्या काम है, इन सेल का, अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर प्रेजेंट आल्सो प्रेजेंट, इनका क्या काम है यहाँ पर, यहाँ पर कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं घुस रहे हैं तो क्या काम है, कुछ तो काम होगा, है, बहुत अच्छा काम। देखिए मैं बताता हूँ, हमारी सभी सेल्स, बॉडी की सेल्स डिप्लॉयड है ना,
कोई हैप्लोइड है नहीं, जो स्पर्म है वो हैप्लोइड है। सुनिए बात ध्यान से सुनिए, आप समझ जाएंगे। ये सारी बॉडी की सेल्स हैं, ये स्पर्म है। केवल यही हैप्लोइड है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है जो स्पर्म है वो बाहरी सेल्स है, क्योंकि वो हैप्लोइड है तो उसे मारने चली जाती है। इम्यून सेल्स का वही काम होता है ना, उन सेल्स को खा जाना या डिस्ट्रॉय कर देना। तो डिस्ट्रॉय करने आती है। अगर स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देगी तो हमारी जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ पाएगी ना। इसलिए यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यह एक दीवार बना लेती है स्पर्म और इम्यून सिस्टम के बीच में, इम्यून सेल्स के बीच में दीवार बन के बैठ जाएगी, तो ना इम्यून सिस्टम इधर आ पाएगा ना स्पर्म को मारेगा। तो आप बात समझ गए ना, इम्यूनोलॉजिकल कम्पिटेंट सेल्स के क्यों प्रेजेंट होती हैं। अब मेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड डेटी टेस्टिस, वासाइफ्रेंसिया, एपिडाइडिमिस एंड वॉच डिफरेंस। कौन कौन से देखिए, डेटी टेस्टिस चेहरा, वासाइफ्रेंसिया, एपिडाइडिमिस, वॉच डिफरेंस। और टेस्टिकुलर लोबिल्स के अंदर क्या पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस के अंदर दो सेल पाई जाती है, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन मेल जर्म सेल को। मेल जर्म सेल म्यूटेट डिवीजन से बनाता है स्पर्म। स्पर्म कैसे जाता है, पहले रेटी टेस्टिस से जाएगा, फिर वासाइफ्रेंसिया, फिर एपिडाइडिमिस, फिर वास डिफरेंस। ये एसेसरी डक्ट है मेल की। देखिए कि द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ट्यूबुल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासाइफ्रेंसिया थ्रू रेटी टेस्टिस। द वासाइफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू एपिडाइडिमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। जो एपिडाइडिमिस है वो दोनों पोस्टीरियर सरफेस पर ईच टेस्टिस के लोकेटेड होता है। जो एपिडाइडिमिस होता है वो स्पर्म को फिर कहाँ ले जाएगा, वास डिफरेंस में ले जाएगा। एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचा देगा। लास्ट में कौन स्पर्म को ले जाता है, वास डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद वहाँ यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचने के बाद ये कहाँ कहाँ से डक्ट प्राप्त करता है, डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल्स ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजेकुलेटरी डक्ट। ये सेमिनल वेसाइकल्स के डक्ट से मिलकर यूरेथ्रा में ओपन होता है एज द इजेकुलेटरी डक्ट, मतलब यहाँ से इजेकुलेशन होगा। इजेकुलेशन और इंसेमिनेशन दो वर्ड आता है। इंसेमिनेशन हम तब बोलते हैं जब स्पर्म यानी कि सीमन जो होता है वो वजाइना में जाता है, तो हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। इजेकुलेशन मतलब आउटसाइड द बॉडी जाता है, फीमेल के अंदर नहीं जाता, तो उसे बोलते हैं इजेकुलेशन, ठीक है, समझ गए। यह डक्ट केवल और केवल स्पर्म को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करके रखते हैं जब तक ये बाहर ना चला जाए यूरेथ्रा से। बाहर कैसे जाएगा, यूरेथ्रा के पास यूरेथ्रल मीटस होता है, ओपनिंग होती है उसकी एक, वहाँ से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, यूरेथ्रल मीटस पेनिस के पास। ये रहा आपका सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का डायग्राम। देखिए इंटरस्टिशियल सेल्स ये रहे, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में खाली जगह ना, ये है इंटरस्टिशियल सेल्स, इसे ही बोलते हैं हम लेडिक सेल्स। ये स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटो जो है यही कन्वर्ट होगा स्पर्म में। ये रहा इस सर्टोली सेल्स, ठीक है। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिट इंसेमिनेशन। द एनलार्ज एंड पेनिस कॉल्ड द ग्लैंड पेनिस इज कवर्ड बाई अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड फोर स्किन से कवर होता है। जो फोर स्किन होता है ये कुछ लोग रिमूव करवा लेते, इसे हम बोलते हैं सर्कमसीजन, ठीक है। रिमूवल ऑफ फोर स्किन, उसे हम बोलते हैं सर्कमसीजन। आप याद रखिए, तो मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन से हैं, ग्लैंड्स। अब मेल एसेसरी डक्ट आपने देख लिया, रेटी टेस्टिस, वासाइफ्रेंसिया, वास डिफरेंस और एपिडाइडिमिस, ये हमारे एसेसरी डक्ट हैं। अब मेल एसेसरी ग्लैंड्स,
कौन कौन से? सेमाइनल, वेकाइसल, अप्रोस्टेटी, देखिए। इनमें क्या लिखा? अप्रोस्टेट, पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल, पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, मतलब समझ रहे हो? समझ रहे हो ना भाई? भाई पेयर्ड मतलब सेमाइनल वेसाइकल जोड़ी में पाए जाते हैं, प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड अकेला पाया जाता है, ठीक है, ये अकेला पाया जाता है, अकेला, ठीक है, अकेला पाया जाता है। अब बल्ब यूरेथ्रल और सेमाइनल वेसिकल पेयर में पाए जाते हैं, यानी कि जोड़ी में पाए जाते हैं। जो सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम में रिच होते हैं। जो सिक्रीशन ऑफ बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। पेनिस के लुब्रिकेशन में कौन हेल्प करता है तीनों ग्लैंड में से? बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। और सीमन क्या होता है? सीमन होता है स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूड जो सेमाइनल प्लाज्मा और प्रोस्टेट से निकलता है। बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, देखिए लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। अब हमारा आ गया द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आपने मेल अच्छे से पढ़ लिया होगा, एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से बाहर जा ही नहीं रहे, आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा। आपने पेपर देखा होगा, पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था, पर क्वेश्चन के टाइप अलग हो गए थे। क्वेश्चन अब वन वर्ड में नहीं था, लाइन वाइज दे दिए थे, तीन चार लाइन दे दिए, अब उसमें से पूछ रहा कौन सही है कौन सा गलत, लेकिन बेस था एनसीईआरटी के ऊपर। अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें एक पेयर ओवरी होती है, यहाँ पर ओविडक्ट, ट्यूटस, सर्विक्स, वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। इसके पास एक्स्ट्रा होती है एक मेमोरी ग्लैंड। जितने भी फीमेल होंगी, मेमल्स होंगे, उनके पास मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होगी और यहाँ सपोर्ट करती है, किसे किसे का सपोर्ट करती है? ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ठीक है। यहाँ पे आपके ओवरी का डायग्राम के बारे में बताया, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है, ये कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल और यूट्रस बाय लिगामेंट। हमने देखा टेस्टिस जो होती है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होती है, कहाँ पर? स्क्रोटम में। जो ओवरी होती है वो एब्डोमन कैविटी में ही प्रेजेंट होती है और कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल से कनेक्ट होती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये रहा तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, ठीक है। ये देखिए, ये रहा डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या क्या है? ये फेलोपियन ट्यूब है, आप देखिए फेलोपियन ट्यूब है, इसमें क्या कौन सा पा? स्टमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस फेम्बरे ही बोलते हैं। फेम्बरे का क्या काम होता है? यहाँ से अगर ओवम निकलेगा, ओवम निकलेगा ना एक एक महीने में, तो एक कैच करके इधर से भेज देगा, यहाँ पर आ जाएगा ओवम। जो स्पर्म होगा यहाँ से तैरते हुए यहाँ तक आएगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। यहाँ पे तीन लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये रहा आपका वजाइना, सर्वाइकल कैनाल और सर्विक्स रहा। अब हम ये पढ़ते हैं ये वाला पार्ट, द फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। ये आपको याद करने पड़ेंगे, मेल एसेसरी डक्ट कौन से हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड कौन से हैं, फीमेल एसेसरी डक्ट कौन से हैं, फीमेल एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से हैं। ईच फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। देखिए ये रहा इनफंडिबुलम। द एड्स ऑफ द इनफंडिबुलम प्रोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरेई। मैंने बता दिया फिम्बरेई के बारे में भी। और वो कहाँ खुलता है? द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, जिसे हम एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला का लास्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट होता है स्टमस, जो कि ज्वाइन होता है यूट्रस से, ठीक है। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम। जो यूट्रस होता है वो सिंगल होता है, ये मत बोलता रहे ना यूट्रस डबल होता है भैया, यूट्रस सिंगल होता है, उसी को हम वोम बोलते हैं। वोम मतलब बच्चा दानी, आप हिंदी में समझ लीजिए बच्चा दानी जिसे बोलते हैं, ठीक है।
शेप ऑफ द यूटरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल होता है। यहाँ पे तीन लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तीनों का आप काम समझ लीजिए। जो पेरीमेट्रियम होती है वो बाहरी लेयर होती है, जो मिडिल लेयर होती है वो मायोमेट्रियम होता है। क्या काम होता है? स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। एंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंजेज होते हैं। देखिए, द एंडोमेट्रियल अंडरगो साइक्लिकल चेंजेज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, अब यहाँ पे वजाइना के द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मोन्स पुबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस के बारे में दिया गया। मोन्स पुबिस इज अ क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक, जो टिश्यू हेयर से कवर्ड रहती है वजाइना के आसपास वो होती है मोन्स पुबिस। ठीक है, वो हमेशा स्किन से कवर्ड रहती है और प्यूबिक हेयर उसके प्रेजेंट रहते हैं। अब आता है लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा आर फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स पुबिस एंड सराउंडेड द वजाइनल ओपनिंग, से सराउंड रहता है। लेबिया माइनोरा पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर जो टिश्यू पाया जाता है वो होता है लेबिया माइनोरा। द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन। जो वजाइना का कवरिंग होता है हाइमन, वो कवर्ड रहता है हाइमन से। अब कुछ फीमेल में हाइमन परसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट दियर लाइफ, कुछ में इंटरकोर्स के दौरान हाइमन हट जाता है, कुछ फीमेल में हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स से भी हाइमन हट जाता है। तो इसलिए हाइमन को हम वर्जिनिटी एज ए टेस्ट के हिसाब से नहीं देखेंगे। अगर हाइमन प्रेजेंट है तो गर्ल्स वर्जिन है, नहीं प्रेजेंट है तो गर्ल्स वर्जिन नहीं है, इस हिसाब से हम नहीं देखेंगे। वर्जिनिटी को चेक नहीं किया जाता हाइमन के बेसिस पर, क्योंकि हाइमन वैसे भी एब्सेंस हो सकता है। इंटरकोर्स के बाद भी कुछ फीमेल में हाइमन वैसा का ही वैसा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्लाइटोरिस क्या होता है? द क्लाइटोरिस इज अ टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ओपनिंग कितनी होती है? एक यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई, एक वजाइनल ओपनिंग हो गई, एक एनस हो गया, तीन समझ लीजिए अभी आपके लिए तीन। ठीक है, देखिए भाई लिखा, इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन, द हाइमन इज ऑफ्टन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटर इंटरकोर्स। इट कैन बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जो इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पोन। वजाइनल टेम्पोन क्या होता है? वजाइनल टेम्पोन एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बना होता है। ये वजाइना में के अंदर डाल दिया जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब ब्लड का फ्लो होता है तब डाल दिया जाता है। उससे वहाँ पर ब्लड का एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो वहाँ से आपका ब्लड बाहर नहीं आता, वो होता है वजाइनल टेम्पोन। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, वुमेन, द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटर। इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं बताता है। मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। ये बात आपको याद रखनी ही चाहिए, क्योंकि हर जगह पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है? इसमें 15-20 मेमोरी लोब होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। फैट वेरिएबल अमाउंट होता है। तो फैट क्या डिस्क्राइब करता है? फैट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फैट ज़्यादा तो साइज बड़ा होगा, फैट कम है तो साइज छोटा होगा, लेकिन मेमोरी लोब्स कम ही होंगे। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। द एल्वियोलाई ओपन इन टू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइंट टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट, सेवरल मेमोरी डक्ट टू फॉर्म ए मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। वहाँ से मिल्क बाहर आता है। देखिए, ये फैट रहा, ये वेरिएबल अमाउंट में फैट प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, मेमोरी लोब ये रहा, एक मेमोरी लोब में कई सारे मेमोरी एल्वियोलाई होंगे, एल्वियोलाई के अंदर ही मिल्क का फॉर्मेशन होगा, मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर ही मिल्क का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उससे मेमोरी एल्वियोलस से कनेक्ट होगा मेमोरी डक्ट, कई सारे मेमोरी डक्ट मिलके मेमोरी एम्पुला बनाएंगे, फिर कई सारे एम्पुला मिलके लैक्टिफेरस डक्ट बनाएंगे, फिर एक लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल के थ्रू खुलेंगे जहाँ से बेबी मिल्क सक्ड आउट कर लेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में।
गैमेटोजेनेसिस क्या है, कितना बच्चा देखते हैं टाइम।